हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। देखिए आज मैं आपको 43 नंबर स्ट्रक्चर बतलाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वी वन प्लस ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब था अदर वर्ड। एक और बात है, हैड बेटर के बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, नॉन फाइनेट के रूल में इसे पढ़ाते हैं। बात यह है कि क्या यह केवल हैड बेटर से बन सकता है? तो नहीं, कुछ और तरीके हैं। जैसे हैड बेटर की जगह वुड बेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड बेटर। इसके जगह हैड रैदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हैड बेटर है तो हैड रैदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वुड रैदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इनको चार तरीका से बना सकते हैं। देखिए, चाहे हैड बेटर हो, चाहे वुड बेटर हो, चाहे हैड रैदर हो, चाहे वुड रैदर हो, सबका मीनिंग होगा अच्छा होगा। ऐसा भी इसको बोल सकते हैं अच्छा होगा कि, लेकिन उसमें अच्छा होगा जरूर होगा। आगे है ट्रांसलेशन है कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। सबसे पहले अच्छा होगा का मीनिंग नहीं लिखेंगे, एक सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा? यू। तब अच्छा होगा का मीनिंग क्या होगा? हैड बेटर। हालांकि वुड बेटर, हैड रैदर और वुड रैदर से इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसको केवल हैड बेटर से ही बनाएंगे। यू इसलिए बनाएंगे कि सब तरीके से एक बार बता दिया गया, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, यानी तुम का मीनिंग हो जाएगा यू, अच्छा होगा का मीनिंग हो जाएगा हैड बेटर, यहाँ से चले जाओ तो गो फ्रॉम हेयर। हालांकि इसको गो अवे फ्रॉम हेयर भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से दूर चले जाओ। चलिए आगे कह रहा है कि अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। तो क्या होगा? अच्छा, तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा? यू। और अच्छा होगा का मीनिंग क्या हो जाएगा? हैड बेटर। अपना मुंह बंद रखो तो शट योर माउथ अप, है ना। अब क्यों यहाँ पे योर लगा है? क्योंकि यहाँ पे अपना का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, इसलिए अपना का मीनिंग क्या होगा? योर। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आई होता तो अपना का मीनिंग माई, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वी होता तो अपना का मीनिंग अस होता है ना, अस नहीं आवर होता। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अच्छा होगा तुम ज़्यादा न बोलो। तो तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा? यू। और अच्छा होगा का मीनिंग हैड बेटर। अब ज़्यादा न बोलो तो नॉट स्पीक मच। अब आपको लगेगा कि हैड के बाद नॉट लगाना है, नहीं, हैड बेटर के बाद ही निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल इसमें कीजिएगा, यह थोड़ा अलग है। क्या हो जाएगा? अच्छा होगा तुम ज़्यादा ना बोलो, यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। आगे है अच्छा होगा वह मेरे रास्ते में न आए। अच्छा होगा का पहले मीनिंग नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट का मीनिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का मीनिंग कहा जाएगा ही। अच्छा होगा का मीनिंग हैड बेटर। मेरे रास्ते में न आए, नॉट कम इन माई वे। अब आगे हम ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। कहता है कि ये आपको बनाना है, अच्छा होगा तुम झूठ न बोलो, अच्छा होगा वह खाना खा ले, अच्छा होगा आप लोग पढ़ें। इसमें लगभग लगभग सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको आ रहा है। अच्छा होगा वे लोग गाना नहीं गाएं, अच्छा होगा तुम वहाँ नहीं जाओ, अच्छा होगा तुम प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा का मीनिंग होता है वेट। चलिए, अच्छा होगा तुम गर्म पानी पियो। गर्म पानी का मीनिंग यहाँ पे लिख सकते हैं ल्यूक वार्म वाटर, इसको गुनगुना पानी भी कहते हैं, या वार्म वाटर भी बोल सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।